1612 में आज ही के दिन मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज से निकाह किया। 1906 में आज ही के दिन सैन फ्रांसिस्को में भूकंप और आग से लगभग 4000 लोगों की मौत हुई। 1917 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए बिहार के चंपारण का चयन किया। 1930 में आज ही के दिन सूर्य सेन उर्फ मास्टर दा और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के 62 लोगों ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला। 1948 में आज ही के दिन नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। 1950 में आज ही के दिन विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना के पचमपल्ली गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। 1955 में आज ही के दिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ। वो एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc2 के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1955 में आज ही के दिन बांडुंग में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1971 में आज ही के दिन सम्राट अशोक नामक देश का पहला जंबो जेट विमान 747 मुंबई में उतरा। 1978 में आज ही के दिन प्रख्यात लेखक खुशवंत सिंह के पिता शोभा सिंह का निधन हुआ। 1980 में आज ही के दिन जिम्बाब्वे ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने की घोषणा की। 1991 में आज ही के दिन केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ।